रायपुर से कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है, परिणाम अप्रत्याशित है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव होने चाहिए। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ चुनाव परिणाम सामने आए हैं और दूसरी तरफ अब कांग्रेस की तरफ से इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रायपुर से यह अहम खबर है जहां कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव होने चाहिए। क्या वाकई ये मामला गंभीर है या फिर कांग्रेस पार्टी अपने गम का इजहार नहीं कर पा रही, इसे दूसरा एंगल दिया जा रहा है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस बीच ईवीएम को लेकर, ईवीएम से गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई नेताओं ने इससे पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, किस तरीके से समझे, क्या वाकई यह मामला गंभीर है, कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है या फिर यह समझे कि इसे एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही? इससे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में थी कि उसकी छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट हो रही है। अब जब रिजल्ट आ गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत मिली है और कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके जो आकलन था, जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच में गए, सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को इतनी बुरी तरीके से जनता कैसे नकार सकती है, तो इसको लेकर संचार विभाग के जो अध्यक्ष हैं सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल उठाए, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस सवाल उठाती रही है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी के चलते कांग्रेस हारती है। लेकिन जब कांग्रेस जीत जाती है तो उस जीत के बाद कांग्रेस इन आरोपों पर भूल जाती है। तो जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तीनों राज्यों में करारी हार हुई है तो यहाँ पर ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस के तरफ से लगाए जा रहे हैं और पहली आवाज सुशील आनंद शुक्ला ने उठाई है और उन्होंने कहा है कि कुरूद में किसी एक प्रत्याशी ने दावा किया है कि उसको उतने वोट मिले थे और लेकिन उसके बाद जो वोट काउंटिंग आई वो उसने वोट नहीं मिले हैं। ऐसे ही उन्होंने रायपुर दक्षिण की बात करी, तो इस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल खड़ा लोग कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन इसके लिए ठोस प्रमाण देने की आवश्यकता होती है कि अगर कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ी है तो ये कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा, एक ठोस जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए तथ्य रखने पड़ेंगे, फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि आखिर कौन कौन सी सीट में कैसे किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ये कांग्रेस को ही देने पड़ेंगे। तो सरकार थी और उस दौरान कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई है, अगर किसी तरीके की गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि इनके बहुत सारे अधिकारी थे, कलेक्टर इनके साथ 5 साल काम किए हैं, बहुत सारे जो निर्वाचन अमला है वो इनके साथ काम किया है, तो किस तरीके से इस पर ईवीएम में सवाल उठते हैं इसको कांग्रेस को प्रूफ के साथ निर्वाचन आयोग में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी जांच की जाए। अभी सीधे तौर से जो है आरोप बस सामने आ रहे हैं। जी जुल्फिकार, एक अहम सवाल है, सुशील आनंद शुक्ला ने लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से के इस्तेमाल को लेकर मांग उठाई है, क्या लगता है मौजूदा वक्त में यह आसान है उनकी इस मांग को अगर हम समझे, या फिर जिस तरीके से अब ईवीएम का दौर आ चुका है बैलेट पेपर इतना आसान नहीं है लेकिन ये मांग उठी है तो जाहिर सी बात है कि आगे कांग्रेस पार्टी के कई नेता बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल करने की मांग उठाएंगे? दो हजार 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भी सवाल उठाती रही है, लेकिन जब कांग्रेस को जीत मिल गई, जब अगर 2018 के पहले भी कांग्रेस बात करती रही है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और उसके बाद जो है ये ईवीएम का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में कांग्रेस की तरफ से चला गया, क्योंकि तीन राज्यों में सरकार बन गई, हालांकि बीच में मध्य प्रदेश की सरकार जरूर उनके हाथ से भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली, कांग्रेस के नेता ही जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब एक बार फिर तीन जो राज्य है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। जी जुल्फिकार, आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।
थोड़ी देर में आपके पास लौट रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से ये बयान सामने आया है, उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। बहरहाल मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पोस्टल बैलेट की वोटिंग में कांग्रेस 199 सीटों पर आगे थी। उन्होंने कहा कि तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दिया है तस्वीरें भी जो है वो सामने आई, चुनाव को लेकर किस तरीके से क्या कुछ चीजें हुई इसके बाद उनका ये ट्वीट सामने आया। पर बड़ी बात यह है कि वे कह रहे हैं 199 सीटों पर जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी उसमें कांग्रेस आगे थी। उसके बाद ईवीएम का जब सिलसिला शुरू होता है तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। उनका कहना है कि तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। सीधे सीधे वे ईवीएम से जो वोटिंग हुई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यह अपने आप में एक बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बन गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से या तमाम पार्टियों की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं और घेरने की कोशिश केंद्र की सरकार को किया गया। हमारे सहयोगी अजहार और जुल्फिकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहार, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं लगातार। इससे पहले के भी कई चुनाव को आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या तमाम कई क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से भी ये सवाल उठाए गए हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब तो यहाँ एक नया एंगल देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव भी जो है वो बैलेट पेपर से कराया जाए, ना कि ईवीएम से कराया जाए। अजहार, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से जितनी इतनी बड़ी शिकस्त कांग्रेस को मिली है, कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस सदमे की स्थिति में है। और आज जो है समीक्षा भी की गई थी, और समीक्षा से पहले जो कमलनाथ है पूर्व सीएम, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहीं ना कहीं जो बीजेपी को इतनी बड़ी इतना बड़ा मैंडेट मिला है उसके लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना है कि जो ईवीएम जो मशीनरीज है, कहीं ना कहीं तंत्र है, उसके जरिए ये चुनाव जीता है बीजेपी ने। और उन्होंने जो अपने ट्वीट के साथ में 199 सीट्स थी उनका बैलेट पेपर का डिटेल भी डाला, जिनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जीती हुई दिखाई दे रही है। और फिर उन्होंने सवाल खड़े करे कि ईवीएम से जहां हुई है वोटिंग, जब नंबर आया है तो वहां पर बीजेपी के लोग जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है अब कांग्रेस इसको ईवीएम की तरफ मोड़ रही है, इसको ईवीएम को जिम्मेदार बताती हुई दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको लेकर इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि कांग्रेस अब ये पूरी कोशिश करेगी, इसको लेकर प्रदर्शन आंदोलन भी कर सकती है, पिटीशन भी दायर कर सकती है कि अब जो लोकसभा का चुनाव हो वो ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से हो। आज जो समीक्षा बैठक की गई थी उस दौरान भी हमारी कई सारे नेताओं से बात हुई, जो कमलेश्वर पटेल हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें कई जगह से इस तरह की सूचनाएं मिली हैं कि जो बीजेपी के एजेंट्स थे, पोलिंग एजेंट्स थे, वो वोटिंग होने से पहले ही जो है जो ईवीएम थी उसमें काउंटिंग होने से पहले ही बता दे रहे थे कि इस मशीन में से इतने वोट निकलेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक जगह एक और विधानसभा का उदाहरण दिया जहां पर बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने सोशल मीडिया पर ही मतगणना से पहले पोस्ट कर दिया कि इस पार्टी को इतने वोट मिलेंगे, बीजेपी को इतने मिलेंगे, और हालांकि उसमें नॉर्मल चेंज भी था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है ईवीएम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो फिर हम भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है उसका हार का ठीकरा जो है ईवीएम पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो लोकसभा चुनाव है 2024 का उसको जो है बैलेट पेपर से करवाने की मांग तेज हो रही है। कमलनाथ आज जो समीक्षा बैठक थी जिसमें कांग्रेस ने सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया था, उस दौरान उन्होंने उनसे जानकारी ली है। हालांकि कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो प्रत्याशी हैं उनसे उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, सबने अपनी अलग अलग राय दी है, और उसको लेकर वो अब जो है दिल्ली जा रहे हैं जहां पर वो शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे। उनके अलावा दिग्विजय सिंह के अलावा और भी कई सारे नेता थे जिन्होंने ईवीएम के सर पे ये टिकरा फोटा है। जो नितेंद्र सिंह है जो टीकमगढ़ के प्रतिपुर विधानसभा से जीत गए हैं, उन्होंने कहा कि जितने बड़े अंतर से मुझे जीतना चाहिए था या जितना मैं अंदाजा लगा रहा था उसके हिसाब से नहीं है। तो कहीं ना कहीं कई सारे लोग हैं, ओमकार सिंह मरकाम है जो कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर है, मध्य प्रदेश के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समिति के सदस्य हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा कि सरकारी धन बल का इस्तेमाल हुआ है, ईवीएम पे भी सवाल खड़े किए गए। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की आज की समीक्षा बैठक थी वो उसमें अपनी कमियां
या फिर ये कहें कि किस तरह से कांग्रेस के वचन पत्र को, कांग्रेस के वचनों को जनता तक ना पहुंचाना पाए, उसके ऊपर बातचीत ना होते हुए कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है घूम फिर के ईवीएम पर आ गया। दूसरा आ गया पैसे बांटने पे, ये आरोप लगे कि जो बीजेपी है उसने जो जो ब्लैक मनी है उसके दम पर चुनाव जीता है, धन बल के दम पर बांटा गया है। दिग्विजय सिंह के भाई थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मंदिरों में पैसा रखा गया फिर वहां से बांटा गया। और कुछ लोगों ने जो सरकारी सिस्टम था, जो निर्वाचन अधिकारी थे, कलेक्टर थे, एसडीएम थे, उन पर आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप ये तो चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें अब इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। जुल्फिकार भी हमारे साथ बने हुए, जुल्फिकार आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा ये जरा सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा उसके बाद आपके पास आते हैं, फिर सवाल लेंगे। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? कैसे? नहीं नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे तो हम, मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती है, हम आज आप हारे हैं लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए हम उसकी, देखिए हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। हमें इलेक्शन कमीशन मिलने का मौका भी नहीं दे रहा। तो सवाल कई यहां पर खड़े हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा है कि कोई कमी नहीं है, तालमेल की भी कोई कमी नहीं है, सारी चीजें ठीक है, बटन कहां दबाया, वोट कहां गया ये पता नहीं, ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। जुल्फे अभी मेरी कुछ देर पहले कांग्रेस के एक लीडर से बात हो रही थी, जब ये सवाल उठे कि ईवीएम को लेकर सवाल उठे तो उनके एक तर्क था, उनका तर्क ये था कि उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पे चुनाव लड़ती है और ईवीएम को हैक किया जाता है, और उन्होंने कहा कि हर चुनाव में एक नया मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, कभी माइक्रो मैनेजमेंट होता है कभी मैक्रो मैनेजमेंट होता है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, इन तीन जगहों पर जो मैनेजमेंट किया वो मैनेजमेंट इस तरीके का है कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है उसे एज इट इज रहने दिया, उसे न्यूट्रल छोड़ दिया। और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर जो वो उनका कहना था, तो दूसरा फैक्टर ये है कि जो दो पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो इंडिपेंडेंट हैं, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उन छोटी पॉलिटिकल पार्टीज में जो हमेशा से शेयर वोट ऑफ शेयर रहता था कि 20% तक कहीं पे 15 से 20% पॉलिटिकल पार्टी पाती थी जिसमें इंडिपेंडेंट था, तो उनका जो वोट है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया। मतलब बिल्कुल साफ है कि ईवीएम को उन्होंने किस तरीके से हैक किया, क्या किया उस पर तो नहीं है, लेकिन तर्क उस तरीके के जो कांग्रेस के लीडर के जरिए दिए जा रहे हैं कि जो थर्ड पार्टियां थी उनका वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को उतना ही वोट प्रतिशत मिला, उसमें कोई गिरावट नहीं आई, और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जो दूसरी पार्टी से वो छिनकर भाजपा में आ जाता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाती है। तो ये सवाल है और इसी सवाल के आधार पर 2024 का जो इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ना जीते, कांग्रेस उस पर फाइट में रहे, तो ऐसे में इनकी ये मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, और जो विकसित राष्ट्र है उन राष्ट्रों का हवाला भी वो दे रहे हैं कि वहां पर ईवीएम के जरिए वोटिंग नहीं होती है, चुनाव नहीं होता है, वहां पे भी बैलेट पेपर का किया जाता है। हमारे साथ इजहार भी जुड़े हुए हैं। इजहार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं कि तालमेल की कोई कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने काला धन का इस्तेमाल किया है, और ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि नहीं, ईवीएम में कोई मुश्किल नहीं है। अब इसे कैसे समझे, एक तरफ तो ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि तालमेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन ईवीएम पर कुछ नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा, किसी एक मुद्दे पर, किसी एक मसले पर खुलकर एक साथ नहीं आ पा रहा, ऐसा लग रहा है।
तो देखिए इस मामले में कमलनाथ को आगे आना चाहिए था और एक डिटेल स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ ने ईवीएम के स्तर पर टीकरा नहीं फोड़ा, अपना एक डिटेल स्टेटमेंट जारी नहीं किया, ऑफिशियल बाइट जारी नहीं किया, ऑफिशियल वर्जन जारी नहीं किया, तो उससे इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, जैसा कि हमने बाइट में भी सुना, दिग्विजय सिंह ये बोल रहे थे कि ये दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं है ईवीएम पर। तो कहीं ना कहीं ये अब जब कभी ऐसा होगा कि ये बात आएगी कि कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए या कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं था, तब ये कह दिया जाएगा कि वो दिग्विजय सिंह का निजी विचार होगा, हमने ऐसा नहीं कहा। तो अगर हम बात करें कांग्रेस में, तो कांग्रेस इस समय जो है वो असमंजस की स्थिति में है। दिग्विजय सिंह बोलते हैं ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जिसमें चिप लगी हो उसको हैक किया जा सकता है, उन्हीं के छोटे भाई कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, उनके भाई कुछ बोल रहे हैं, हालांकि लक्ष्मण सिंह जो बात बोल रहे हैं वो बात भी सारे नेता बोल रहे हैं कि काले धन का उपयोग किया गया, जो गरीब लोग थे, छोटे तबके के लोग थे, उनको जमकर पैसा दिया गया। और लक्ष्मण सिंह ने एक बात और कही कि मंदिरों के जरिए पैसा बांटा गया, कि मंदिरों में पैसा रख दिया गया, वहां से बांटा गया। लेकिन अगर हम बात करें ईवीएम की, वापस ईवीएम पर आए, तो दोनों भाइयों के बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है और कमलनाथ को इस मामले में डिटेल्डली ब्रीफ करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादा बोलने से बचे। आपने देखा कि जब वो पीसीसी में आए उस समय और जब गए, मुख्तसर सी उन्होंने बात की, कुछ सवालों के जवाब दिए और वो फिर चले गए। तो कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज दिखाई दे रही है कि उसका क्या स्टैंड है यहाँ पर। इंतजार है कांग्रेस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का, कांग्रेस की पार्टी लाइन के बयान का, कि कांग्रेस एक बयान जारी करे कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव जो है उसको लिए, हार के लिए क्या, किन मुद्दों को, किन बातों को जिम्मेदार ठहराती है, क्या क्या वो पॉइंट है, इसकी जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और मैं आपको बता दूं कि एक और बड़े नेता है अजय सिंह राहुल, जो चुरहट से विधानसभा चुनाव जीते हैं, पिछली बार हार गए थे, वो नेता प्रतिपक्ष भी थे, उनसे भी जब हमने पूछा ईवीएम को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं ईवीएम पे टालते हुए पाया तो ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नेता है उनमें से कई सारे नेता ईवीएम के सवाल को टालते हुए दिखाई दिए, कुछ ने ईवीएम के सर पे ठीकरा फोड़ा। जी बिल्कुल इजहार, कहीं ना कहीं मुकाबला जब बीजेपी से है तो कांग्रेस को खुद को अभी मॉडिफाई करने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है जैसे तालमेल की भी कमी है और कई मामलों में पार्टी जो है, जो स्ट्रक्चर है, उसे मॉडिफाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार, आप हमारे साथ जुड़े, जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।